राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में 17-18 जुलाई 2021 को श्री कुलमंड का देव नारायण बनेड़ा में द्वितीय जाट सामूहिक विवाह सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा और अजमेर जिले के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति में अपने वैवाहिक जीवन में उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा के महामंत्री शोभाराम तोगड़ा के आवास जाट वाटिका बनेड़ा को जानकीपुरी का रूप दिया गया, जहां पर दुल्हनों के ठहरने की व्यवस्था की गई और नारायण जी दगोलिया के श्री देव कृषि फार्म बबराना को दूल्हों के ठहरने के लिए अयोध्या नगरी के रूप में सजाया गया। अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था काना रिसोर्ट बनेड़ा पर की गई। श्री देव नारायण धाम परिसर देवमंगरी बनेड़ा में आयोजित जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन की पूर्व संध्या पर शनिवार 17 जुलाई रात्रि को सम्मेलन स्थली पर सत्यवादी वीर तेजाजी और भगवान श्री देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार धर्मराज चौधरी एंड पार्टी, भीलवाड़ा की मशहूर गायक कलाकार ममता रंगीली, जीवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा, जोधपुर से आई डांसर निर्मा चौधरी और नागौर से आए डांसर विक्की चौधरी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस अवसर पर राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के महामंत्री और कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार शोभाराम तोगड़ा ने भी भजनों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को परवान पर चढ़ाया। कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता में 4 चांद लगाते हुए विवाह सम्मेलन समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी जमकर नृत्य किया। विवाह सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आयोजित महिला संगीत और भजन संध्या कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कवि चित्तौड़गढ़ जिले के सोहनलाल चौधरी चोगावड़ी ने समाज में फैली कुरीतियां, बाल विवाह, अफीम का सेवन, दहेज, मृत्यु भोज आदि पर कटाक्ष करते हुए सामाजिक सुधार के गीतों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। तो एक छोटी बच्ची को ब्याह हुआ तो वह बच्ची अपना पिताजी ने कही केवे तोरे बाबुल बाता कर बड़ी जी बड़ी पण पिंजरे क्यों धर दी बागा रमती चढ़े अरे आप तो सासरिए भेजो बिहरियो नी जानी आप
तो सासरिये भेजो बिहरियो नी जानी सीख ना सकीरे में तो तुत लाती बाणी अरे बांध नी जानू कैया बांधू रगड़ी अरे बांध नी जानू कैया बांधू रगड़ी पिंजरिये क्यों दर्दी बागा रमती चढ़ी। जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में झुंझुनू से आए आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जानू ने विवाह समारोह के आयोजकों का हौसला बढ़ाया और शिक्षित विकसित समाज बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिवकरण जानू ने राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा को विवाह सम्मेलन में सहयोग स्वरूप 51,000 की नगद सहायता देकर टीम को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं भामाशाहों श्रीमान रतनलाल लांगर पूर्व डेयरी चेयरमैन सीताराम डकीवाल प्रधान प्रतिनिधि शाहपुरा शिवलाल डेरू पार्षद भीलवाड़ा सुखपाल डोडवानिया अध्यक्ष प्रेस क्लब भीलवाड़ा सूरज करण जानी रतनलाल शाहपुरा रामधन थरोदा जेपी मालोदिया सोजीराम बागड़ा गुलाबपुराग से जमनालाल मुवाल पार्षद पुखराज ककड़ावा भोपाल गढ़वाल लादूलाल छंडल का स्मृति चिन्ह व तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट करके सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया। विवाह सम्मेलन स्थल पर युवा समाजसेवी सत्यनारायण गुगड़ और युवा टीम ने रजिस्ट्रेशन काउंटर और कार्यालय की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। विवाह सम्मेलन में 18 जुलाई रविवार को प्रातः 7:15 पर माताजी का खेड़ा चौराहे से सामूहिक विवाह स्थल देव मंगरी तक बैंड बाजे और मशक की धुन पर वर को घोड़े तथा वधू को रथ में बिठाकर बिंदोरी निकाली गई जिसमें शामिल महिला पुरुष नृत्य करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सामूहिक विवाह स्थल पर प्रातः 9:15 पे सामूहिक तोरण की रस्म अदा की गई। तोरण की रस्म के बाद ज्योतिषाचार्य अम्बालाल डकावा के नेतृत्व में आचार्यों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म अदा कराई और 7 फेरों के साथ 5 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। सभी 5 जोड़ों का स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें वर वधु ने एक दूसरे के गले में माला डालकर आजीवन साथ निभाने का वादा किया। दोपहर 1:15 पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया जिसमें वर वधु को राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा की ओर से उपहार सामग्री इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पायजेम बाली बर्तन एवं भामाशाहों द्वारा पलंग बिस्तर सिलाई मशीन पंखा और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। सभी 5 जोड़ों को समाज की ओर से स्कूटी भेंट की गई जिसमें फोटो सेशन में सभी दुल्हा दुल्हन और समाज बंधु हर्षित और गौरवान्वित नजर आए।
कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से सभी समाजसेवी संगठनों से जुड़े समाज बंधु उपस्थित हुए, जिनका मंच पर तेजा जी की फोटो का सम्मान प्रतीक और स्मारिका भेंट कर अभिनंदन किया गया और अन्य दाताओं का आभार जताया। कार्यक्रम के सफल एवं शानदार आयोजन पर सभी ने प्रशंसा की। जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में भोजन व्यवस्था भी बहुत ही सराहनीय थी। देसी घी का चूरमा, बाटी, दो सब्जी, मक्का की बाटी और दही चटनी के साथ महाप्रसाद का सबने भरपूर आनंद लिया। भोजन व्यवस्था में स्वयं सेवकों की फुर्ती और अनुशासन देखने योग्य रहा। विवाह सम्मेलन के मौके पर राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष शंकरलाल कुड़ी, जिला अध्यक्ष देवबख्श डाबरडीमा, संरक्षक नंदराम मंडा, महामंत्री शोभाराम तोगड़ा, भीलवाड़ा अध्यक्ष भवानीराम नागा, उपाध्यक्ष भैरूलाल डगेर, चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रतनलाल डूडा, संरक्षक डालचंद डूकिया, बनेड़ा अध्यक्ष मांगीलाल सरूडिया, महामंत्री कैलाश लेगा, चित्तौड़गढ़ उपाध्यक्ष लक्ष्मण गोटिया, हरिलाल बधाला, मथुरालाल मंडेल, देवीलाल बधाला, सुवालाल मंडा, बद्रीलाल नरादनिया, बद्रीलाल खारेल, लहरूलाल काला, बद्रीलाल लेगा, मथुरालाल मांदल, धन्नालाल थरोदा, अध्यक्ष कोटड़ी, देवीलाल गुलरिया, हरफुल तोशीनवाल, शंकर लंबरदार, गणेश खानोटिया, ओंकार छापरवाल, रामस्वरूप सारण, रामलाल दतुलिया अध्यक्ष राजसंबंध, सुरेश तोगड़ा गंगापुर, बदनोर अध्यक्ष जगदीश खानोटिया, रामगोपाल भंडारी अध्यक्ष शाहपुरा, रामलाल जेलवाल महामंत्री शाहपुरा, अंबालाल जाजुंदा युवा टीम के जिला अध्यक्ष नारायण लाल जिंजवाड़िया, मधुलाल काला, मोहनलाल नागा, आदर्श जाट महासभा जिला अध्यक्ष पूसाराम भादु, शंकरलाल थाकल, महामंत्री राष्ट्रीय तेजवीर सेना भीलवाड़ा, शिव टाइल्स एवं चार भुजा टाइल्स के निर्देशक कैलाश चंद सत्यनारायण गोगड़, रामदयाल थरोदा, किशन बनवाड़िया, गोपाल गुलेरिया, शंकरलाल जिंजवाड़िया, शंभु सगडोलिया, नारायण लाल लामरोड सीए, भैरूलाल मांदल, रामेश्वर लाल सेवदा, जगदीश लामरोड, उदयलाल रतवाल, पप्पू जलानिया, सुरेश डेला, समाजसेवी लक्ष्मण लाल, जेपी तोशीनीवाल, रामजस राव, महावीर मांदल, अंबालाल लामरोड, मनफूल गढ़वाल, राजूलाल इशोलिया, डालचंद तवर, किशनलाल रतनलाल बनवाड़िया, देव टेंट कानूली, गणेशलाल लाठी, शंकरलाल भदाला, रामपाल खजीना, राजमल डगास, कैलाश राजेंद्र सत्यनारायण चैनपुरिया समेत पूरी टीम ने समर्पित भाव से विवाह सम्मेलन की सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में भरपूर योगदान दिया।